हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर टू, जिसका कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट वन से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टार्ट की हुई है। सो आज आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मैंने आपको MBTI फ्रेमवर्क वैसे करवा दिया था, दैट स्टैंड फॉर मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर फ्रेमवर्क, बहुत अच्छे से किया था। देखो, जो एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने ना आपको मैचिंग में क्वेश्चन दिया था, जो MBTI फ्रेमवर्क है, जिसे हम जंगियन एस्पेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले आता है इसमें सेंसिंग, वुड वर्क विद नोन फैक्ट्स दैट लुक फॉर पॉसिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप, यानी आप उन चीज़ों के साथ काम करोगे, वो चीज़ें जो आपको, वो फैक्ट्स जो आपको पता हैं, और आप ट्राई करोगे कि आपको पॉसिबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी बने। फिर आता है थिंकिंग, थिंकिंग में आप ज़्यादा रिलाई करते हो इंटरपर्सनल एनालिसिस में और लॉजिक देन ऑन पर्सनल वैल्यूज। आप जो आपकी अंदरूनी, जो आपकी इंटरपर्सनल एनालिसिस है, आप उन पे ज़्यादा अपना रिलाई करोगे, आप लॉजिक पे ज़्यादा रिलाई करोगे, पर्सनल वैल्यूज़ को आप इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। फिर आते हैं फीलिंग, इसमें आप ज़्यादा रिलाई करते हो पर्सनल वैल्यूज़ पे। अब फीलिंग्स हैं यानी आपकी पर्सनल वैल्यूज़ होंगी, सो आप इन पर्सनल एनालिसिस और लॉजिक को पीछे छोड़ के पर्सनल वैल्यूज़ पे ज़्यादा रिलाई करोगे। लास्ट में आता है परसीविंग, ये लाइक्स अ फ्लेक्सिबल स्पॉन्टेनियस वे रेदर देन अ प्लान एंड ऑर्डरली वे ऑफ लाइफ। जब आप चीज़ों को परसीव करते हो MBTI फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, यानी आप फ्लेक्सिबल तरीके को ज़्यादा पसंद करोगे, यानी जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल हैं वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, वो स्पॉन्टेनियस वे को आप लाइक करोगे, आपको प्लान्ड और ऑर्डरली वे नहीं चाहिए लाइफ का। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था पर्सनैलिटी डायमेंशंस विद इंडिविजुअल ट्रेट्स। देखो, जो एक्स्ट्रोवर्जन है, इसमें के इसके क्या ट्रेट्स हैं, आप ज़्यादा टॉकेटिव हो गए, असर्टिव हो गए, सोशलेबल, आम साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ आपका ज़्यादा कनेक्शंस होंगी, इंट्रैक्शंस होंगी, आप आउटगोइंग होंगे, कॉन्शियसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन हो गए, हार्ड वर्किंग हो गए, अपने काम बड़े सलीके से करोगे, डिपेंडेबल हो गए और परसिस्टेंट हो गए, इमोशनल स्टेबिलिटी में बड़ा शांत स्वभाव होगा आपका, काम हो गए, हैप्पी और सिक्योर भी होगे, और ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, हर चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सोचोगे, हर नई चीज़ को जानने की इच्छुकता होगी, इंटेलेक्चुअल होगे, इमेजिनेटिव होगे और आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होगे। ठीक है, अब आगे आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो, जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है ताजो आप एक पर्सन की एबिलिटी, उसकी काबिलियत को असेस कर पाओ कि वो कितने अच्छे से चीज़ों को सीखता है, वो कितने अच्छे से जो नई स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं उसकी एक पर्टिकुलर जॉब और फील्ड के लिए, उनको एक्वायर करता है। सो ये टेस्ट मेयर करके बताते हैं इंडिविजुअल में अपने उसके इनहेरेंट, यानी कुदरत ने उसको किस तरीके का एप्टीट्यूड किया है, जहाँ पे उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज हैं और जो उसके टैलेंट्स हैं, उनको आप और डेवलप कर सकते हो और उनको यूज़ करके अलग अलग फंक्शंस और टास्क को अच्छे से कैरी आउट कर सकते हो। यानी जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वो इवेल्यूएट करते हैं पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी वो असेस करके बताएंगे कि पर्सन कॉग्निटिवली कितना डिवाइड है, क्या उसकी एबिलिटी है, इसमें वो कितना अच्छे से लॉजिकली चीज़ों को समझता है, प्रॉब्लम कितनी अच्छे से वो मेच्योरली सॉल्व करता है, उसकी न्यूमेरिकल वर्बल रीजनिंग कैसी है, स्पेशल अवेयरनेस उसकी कैसी है, और जो चीज़ों को समझने का तरीका, यानी वो कॉम्प्रिहेंड किस तरीके से करता है, वो सब कुछ आ जाएगा। यानी जब आप इन टेस्ट को असेस करते हो, यानी जब ये जो ये अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड है, देखो यही आपके नेट के पेपर में है। अगर आपने पेपर वन देखा होगा तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, तो ये तो वो आपकी ये काबिलियत जज कर रही है। सो इम्प्लॉयर्स, इससे क्या होगा, जब वो ये अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड करेंगे तो इम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं
काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो उसका बंदा है जिसके वो जिसको असेस कर रहा है, जो उसका एप्लीकेंट है, उसमें कितनी काबिलियत है, कितना पोटेंशियल, कितना हुनर है कि वो नई चीज़ों को सीख सकता है, और जो स्पेसिफिक रोल के लिए और इंडस्ट्री के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उनको कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। अब एक आता है अचीवमेंट टेस्ट में से क्वेश्चन। देखो अचीवमेंट टेस्ट को डिज़ाइन किया गया इंडिविजुअल का जो नॉलेज लेवल है ना उसको मेजर करने के लिए, जो उसका स्किल लेवल है एक पर्टिकुलर एरिया और सब्जेक्ट में उसको मेजर करने के लिए। यानी हमें अचीवमेंट टेस्ट असेस करके बताता है कि इंडिविजुअल कितना सीख चुका है और क्या वो फ्यूचर में उस स्पेसिफिक डोमेन में और चीज़ें सीख सकता है। अगर हम इसको जॉब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो जो अचीवमेंट टेस्ट है ना इसको यूज़ किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेंट की प्रोफिशिएंसी क्या है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा है, क्या उसका एक्सपर्टाइज है जॉब को लेकर, उसकी क्या उसके पास पुरानी नॉलेज है, कितनी वो न्यू एक्वायर कर रहा है और वो कितनी प्रोफिशिएंटली और एफिशिएंटली उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब आगे ना एक पर्सनैलिटी फैक्टर है जिसका नाम है बाइपोलर डायमेंशन। ये बहुत बार पूछा गया है। देखो ये मैचिंग में आता है। देखो जो वॉर्म्थ है वो हमेशा आउटगोइंग वर्सेस रिजर्व्ड होती है। यानी जब आप किसी से वार्मली ट्रीट करते हो यानी वो आउटगोइंग होगी और यहाँ रिजर्व्ड होगी। एब्स्ट्रैक्टनेस इमेजिनेटिव होती है, प्रैक्टिकल होती है। आप चीज़ों को जो चेंजेस आपको देखने में जगह पे मिल रहे हैं आप उनको कितनी इजी से अडाप्ट कर रहे हो, ये तो या तो एक्सपेरिमेंटल होगा या कंजर्वेटिव होगा। या तो आप ट्राई करोगे उनको अडाप्ट करने के या आप उनसे भागोगे। परफेक्शनिज्म, कितनी चीज़ों को सलीके से करती हो, कंट्रोल्ड भी हो सकता है कैजुअल। यानी कई बंदे चीज़ों को बड़े सलीके से लेते हैं, वो हर चीज़ परफेक्ट हो उनको तभी अच्छा लगता है, और कई चीज़ों को कैजुअली ले लेते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, इसे बाइपोलर डायमेंशन कहा जाता है। परसेप्शन क्या होती है? देखो परसेप्शन में आप ये देखते हो कि जो इंडिविजुअल्स हैं यानी जो आपके एप्लीकेंट्स हैं वो चीज़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो भी स्टिमुली से उनका इनकाउंटर होता है वो उनको उस चीज़ को किस तरीके से अपने किस नज़रिए से लेते हैं, यानी इसमें वो सारा प्रोसेस आ जाता है सिलेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का और इंटरप्रेट करने का इन्फॉर्मेशन को, ताजो एक मीनिंगफुल जो स्टिमुली है उसके रिगार्डिंग एक मीनिंगफुल चीज़ निकाली जा सके। जितने भी अब ये स्टिमुली जितना भी आपका वर्ड है जो भी चीज़ें उसमें आती हैं वो कहीं ना कहीं यानी जो भी आप चीज़ जिसको चीज़ को आप देखोगे जिससे आप टकराओगे वो आपकी स्टिमुली होगी। यानी परसेप्शन अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की परसीव, वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है, अपने काम को वो किस तरीके से लेता है, अपने दोस्तों को मित्रों को वो किस तरीके से लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो उसको किस तरीके से ले, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब पे। ठीक है, आगे आता है एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड इंडिविजुअल की इवेल्युएशन है, फीलिंग्स है टूवर्ड्स पीपल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। यानी आप जब किसी चीज़ को अगर आपको कोई चीज़ कही जाती है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, यानी वो आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड अच्छा होता है, देखो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड से लोगे तो हर चीज़ आपके लिए अचीवेबल है, अगर नेगेटिव के साथ चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ करने में आप हिचकिचाओगे। सो एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं और ये आपका जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन उस पर इम्पैक्ट डालेंगे, मोटिवेशन पे इम्पैक्ट डालेंगे और जो आपका बिहेवियर है वर्क प्लेस में उस पर भी इम्पैक्ट डालेंगे। सो एटीट्यूड को शेप किया जाता है। अब एटीट्यूड कैसे बनते हैं? जो इंडिविजुअल की बिलीव्स हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसको फ्रेंड से फैमिली से जेनेटिक मिली हैं, जो उसके चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस रहे हैं, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड पे इम्पैक्ट डालती हैं। अब एक आती है रीइन्फोर्समेंट थ्योरी, मैंने आपको करवाई हुई है, वो कह रहे थे इट्स स्टेट्स दैट चेंजेस इन ओपिनियन कैन रिजल्ट इन एटीट्यूड चेंज। ऑब्वियस बात है, देखो रीइन्फोर्समेंट थ्योरी एप्टीट्यूड की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सिंपल ये थ्योरी इतना कहती है, देखो जब भी आपके ओपिनियंस चेंज होंगी उसका इंपैक्ट एटीट्यूड चेंज में होगा ही होगा, यानी उसका इंपैक्ट एटीट्यूड पे पड़ेगा और उसके इंपैक्ट के रिजल्ट में एटीट्यूड चेंज होगा। अब एटीट्यूड तो हमने बहुत कर लिया, कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या होता है? देखो कॉग्निटिव एटीट्यूड का मतलब है ये वो एटीट्यूड है जो बिलीव्स पे ओपिनियंस पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो एक एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी है एक पर्टिकुलर इवेंट को सिचुएशन या कॉन्सेप्ट को लेके, उसे हम कॉग्निटिव एटीट्यूड कह देते हैं। यानी ये एटीट्यूड का सिंपल जो बेसिस है जो डिपेंडेंस है वो बिलीव्स पे है, क्या उसकी सोच है, क्या उसके अपने व्यू पॉइंट्स हैं,
क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसके पास इंफॉर्मेशन है चीज़ों को लेके, सो दैट विल बी कॉग्निटिव एटीट्यूड। यानी ये कहीं ना कहीं जो आपका एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है ना, ये डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड है। यानी इसमें आपके थॉट्स, परसेप्शंस, इवैल्यूएशन, जो सारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूसिव है। सो जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो जो कॉग्निटिव एटीट्यूड है ये रेशनल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। अब आगे आते हैं ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक साइको एनालिटिकल थ्योरी में आता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो रिवर्ट करेगा, वो रिटर्न करेगा टू प्रीवियस स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी आप एक स्टेज पे पहुंच गए, आप रिवर्ट कर दोगे, पीछे चले जाओगे जो आपकी लास्ट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेज थी। यानी ये जो रिग्रेशन है ये पता क्यों होता है, जब आप स्ट्रेस फेस करते हो, एंजाइटी होती है, या इसके अलावा भी अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है, तो आप अपने प्रीवियस स्टेट पे रिवर्ट बैक हो जाते हो। डैट इज ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म। यानी जब आप रिग्रेस करोगे, सो इंडिविजुअल्स रीट्रीट करेंगे अर्लियर जो उनकी ज़्यादा फैमिली, जिसके साथ वो ज़्यादा फैमिलियर हैं डेवलपमेंट। अब ये वो जब जो इनकी फैमिलियरिटी है ना, ये इनके डेवलपमेंट के साथ है। यानी यहाँ पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील करते हैं। यानी आप नई चीज़ों से हिचका के पुरानी अपनी पोजीशन पे बैक ऑन चले जाते हो, ठीक है। एक ना क्वेश्चन था इसमें आ गया ना, देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिप्रेशन और सब्लिमेशन, चार टर्म्स हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। देखो प्रोजेक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज प्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस इन योर सेल्फ ऑन टू समवन एल्स। जो चीज़ें आपको नामंजूर हैं आप उनको दूसरे चीज लोगों पर डाल देते हो, डैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। रिग्रेशन इज डिस्क्राइब्ड एज रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपनी ही प्रीवियस स्टेज पर स्ट्रेस या एंजाइटी को फेस करके मूव ऑन कर जाते हो। रिप्रेशन इज डिस्क्राइब्ड एज पुलिंग इन टू द अनकॉन्शियस। यानी जब आपके होश हवाओं गुम हो जाते हैं, आप अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाते हो, डैट इज रिप्रेशन। सब्लिमेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एक्टिंग आउट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। नो डाउट चीज़ें आपको नामंजूर है, बट आप उन चीज़ों को दिखाते नहीं। यानी जो जब आप एक सोशली, मतलब आप उन चीज़ों को भी अच्छे से लेते हो, दुनिया को नहीं दिखाते कि भाई आपको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। सो डैट इज सब्लिमेशन। अब आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। देखो कोई भी अगर आपके पास सिनेरियो गिवन है जहाँ पे पर्सन को गुस्सा आता है अपने चाइल्ड पे या स्पाउस पे बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क, द डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज प्राइमरी बीइंग यूज्ड इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, मान लो अगर एक बंदा है, उसे अपनी जॉब पे कोई ना कोई किसी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन हो गई, या किसी भी तरीके से उसने एंजाइटी और स्ट्रेस वहाँ पे फेस कर लिया। अब वो सिनेरियो पे वो सिचुएशन तो उसके हाथ में नहीं थी, सो वो वहाँ पे तो नहीं कुछ बोला, वहाँ पे उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, उसने वो अपनी वर्क प्लेस का गुस्सा आके अपनी फैमिली पे, घर पे आके निकाला, अपने चाइल्ड पे, अपने स्पाउस पे, और जो उसका बैड डे वर्क पे रहा। सो यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होगा ना, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो एक डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म करवाया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। यानी सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पे पर्सन रीडायरेक्ट करता है अपने नेगेटिव इमोशन एंड इंपल्सिस को फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टारगेट टू सब्स्टिट्यूट टारगेट दैट इज लेस थ्रेटनिंग और मोर एक्सेप्टेबल। यानी बहुत सिंपल बात है, जो आपका गुस्सा जहां निकलना चाहिए था वहां पे आपने निकाला नहीं, उसको आपने डिस्प्लेस कर लिया, उसको ओरिजिनल सोर्स से निकाल के एक सब्स्टिट्यूट पे जाके डाल दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो इस केस में जो पर्सन है जो डिस्प्लेस कर रहा है अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बैड डे एट वर्क ऑन टू योर चाइल्ड, और इस वॉज दैट स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अब आगे आती है इमोशंस। इमोशंस वो इंटेंस फीलिंग्स हैं जो तब अराइज करती हैं। अब देखो इमोशंस आपकी नो डाउट वो इंटेंस फीलिंग्स है, ये अराइज तब करेंगे जब आपके स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशंस होंगे। अब जब ये, अगर ये मान लो आपके स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशन नहीं हो रहे, तो आपके इमोशंस भी कभी अराइज नहीं होंगी। सो जो इमोशंस हैं वो इंडिविजुअल का बिहेवियर, कहीं ना कहीं वो फैसले किस तरीके से लेता है, या ओवरऑल वेलबींग कैसी है उसकी वर्क प्लेस पे, इन चीज़ों का इम्पैक्ट डालती हैं। सो रिकॉग्नाइज करना और मैनेज करना इमोशंस को बोथ ऑन वंस ओन ऑन दोस ऑफ अदर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहने का मतलब यही है, अगर आपको इमोशंस नो डाउट सिचुएशन को देख के अराइज हो रही हैं, बट उन इमोशंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप उन इमोशंस को मैनेज करने में फेल हो जाते हो, तो ऑब्वियस बात है आपकी वहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन बिगड़ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इमोशंस के अंदर, इफ फियर ऑफ ओवरलोड इज द सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज, द मोस्ट सुटेबल कोपिंग मैकेनिज्म इज टू प्रोवाइड रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन।
कहते हैं देखो, अगर आपको कोई, अगर वर्क प्लेस पे आप जा रहे हो, वो आपको एकदम से कोई नई चीज लाके आपके सामने रख दें कि आपने आज से काम इस तरीके से करना है, ये होता है फियर ऑफ ओवरलोड। या आपको आपका जो जो अगर आपने मान लो आपका 5 घंटे का काम था, उन्होंने अब आपको 10 घंटे पूरे 10 आवर्स का काम दे दिया, तो जो आप उसको रेसिस्ट करोगे, भाई हम ये नहीं कर सकते, ये इससे कोप करने के लिए जो बेस्ट मैकेनिज्म है डैट इज, एक तो आपको आपके रोल की क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और आपका रोल की डेफिनेशन अच्छे से देनी पड़ेगी। देखो, जो रेसिस्टेंस है चेंज को लेके, वो तभी अराइज होती है जब इंडिविजुअल्स को लगता है कि उन्हें ज़्यादा काम दे दिया या उनके जो रोल्स हैं, एक तो वो अनसर्टेन है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील ही नहीं हो रही। तो अगर ये चीज़ें परसिस्ट कर रही है तो वो कभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि वो ओवरलोडेड है, उनको नए काम जानबूझ के दिए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अनेबल है कि वो इन चीज़ जो अब उनकी जो काम को लेकर जो इंक्रीज डिमांड्स है वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ें तभी हैं जब चेंज लाया जाएगा। सो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, यानी अगर आपने ये फियर और जो रेसिस्टेंस वो आपका इंडिविजुअल शो कर रहा है, अगर आप उसको एड्रेस करना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसे रोल क्लैरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, उसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा, भाई क्या क्या काम आप उनसे चाहते हो, क्या क्या वो पोजिशन उनसे काम चाहती है, किस किस तरीके से क्या अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पोजीशन प्रोवाइड कर रही है। यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उस बंदे से, क्या उसकी जिम्मेवारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से उसने इंडिविजुअल रोल्स को कोप अप करना है चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। सो जब आप रोल क्लैरिटी और डेफिनेशन प्रोवाइड करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हेल्प करती है जो फियर है ओवरलोड का, जो उनके दिमाग में डर बैठ गया, उसको कोप अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। और ये चीज़ इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल को जो उनके स्पेसिफिक रोल्स हैं वो पूरे क्लियर है, उनको पता है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चेंज को लेके और वो किस तरीके से ये चेंज उनके ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे वो उनको लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू PLUS-6 मॉडल ऑफ इमोशंस, फियर इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ प्राइमरी इमोशंस इन द मॉडल। PLUS-6 आइडेंटिफाइड 8 प्राइमरी इमोशंस। देखो, जो PLUS-6 मॉडल था इमोशंस का, वो ये कह रहा था जो फियर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी इमोशन है एज पर द मॉडल। इसके अलावा टोटल 8 इमोशंस है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो है जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, एंटिसिपेशन, ट्रस्ट और डिस्कस्ट। यानी जो ये PLUS-6 मॉडल है ये पूरा 8 इमोशंस पे डिपेंड करता है। जो इसमें प्राइमरी इमोशंस हैं इनको कंसीडर किया जाता है, ये बेसिक और फंडामेंटल इमोशंस हैं जो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक सर्व करते हैं दूसरे इमोशंस के लिए। यानी अगर प्राइमरी जैसे घर की नींव रखी जाती है ना, सेम तरीके से जो पहले प्राइमरी इमोशंस है उस पे दूसरा आपका पूरे इमोशंस का टिकाऊ बना हुआ है। सो ये यूनिवर्सल है और बिलीव किया जाता है कि ये इनेट अंदर से होते हैं और इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे जब जब आप अलग अलग सिचुएशंस को फेस करोगे। सो जो पर्टिकुलरली फियर की बात की गई है वो डैट इज एसोसिएटेड विद परसेप्शन ऑफ थ्रेट और डेंजर। यानी जब जब आपको किसी चीज़ से डर लगेगा, सो ये ना बहुत फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिक, जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से टकराओगे जिससे आपको डर लगता है, तो सडनली उस फियर के कारण ना बहुत सारे अलग अलग रेंज की सिचुएशंस ट्रिगर हो जाएंगे, बहुत अलग अलग साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से निकलेंगे। सो ये होते हैं कुछ प्राइमरी इमोशंस, उसमें खास करके फियर। अब जो सेकेंडरी इमोशंस हैं दूसरे, अगर सेकेंड पार्ट में हम सेकेंडरी इमोशंस की बात करें जो रिलाई करते हैं प्राइमरी इमोशंस पे एज पर PLUS-6 मॉडल ऑफ इमोशन, सो ये कम्प्लेक्स इमोशंस हैं जो रिजल्ट करेंगे फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ प्राइमरी इमोशन। यानी जब आप प्राइमरी इमोशन को या तो आपस में जोड़ दोगे, उनके अलग अलग 8 हैं हमारे पास, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो उससे आपके सेकेंडरी इमोशंस निकल जाएंगे। अगर मैं आपको कोई सेकेंडरी इमोशन की एग्जाम्पल दूँ तो जेलसी, गिल्ट, शेम, प्राइड और एडमिरेशन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रुप डायनामिक्स। देखो, जो ग्रुप डायनामिक्स है ये बेसिकली वो इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स और प्रोसेसेस हैं जो ग्रुप्स के अंदर और या कह लो ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स बनी हैं उनके अंदर आपस में होते हैं। यानी इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक जैसे कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है ग्रुप में, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो ग्रुप को लीड किस तरीके से किया जाता है, रूल्स क्या हैं,
नॉर्म्स क्या हैं हर बंदे के, कोहेशन कितनी है ग्रुप आपस में, ग्रुप की बनती है या उनका कोई दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। सो जब आप इन चीज़ों को यानी जो आपके ग्रुप डायनामिक्स उनको अच्छे से समझ पाते हो और मैनेज कर पाते हो, ये बहुत क्रूशियल है। अगर तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क प्लेस पे कोलैबोरेशन लानी है, प्रोडक्टिविटी चाहिए, अगर आपको टीम वर्क चाहिए, तो आपको ग्रुप्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप नॉर्म्स वो बिलीव्स, एटीट्यूड, ट्रेडिशन या एक्सपेक्टेशंस है जो ग्रुप मेंबर आपस में शेयर करते हैं। देखो ग्रुप्स तब बनती हैं जब उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, यानी अगर कोई कॉमन चीज़ें नहीं है तो तब कब आपकी कभी भी किसी दूसरे बंदे के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, सो ग्रुप्स नहीं बन पाएंगे। सो ये वो इनफॉर्मल रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्रुप में जो बनते हैं उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं उनके क्या एक्शंस और इंटरेक्शंस रहेंगे ग्रुप में। सो ग्रुप नॉर्म्स को इस्टैब्लिश किया जाता है सोशल इन्फ्लुएंस के द्वारा, या ग्रुप मेंबर जब कॉमन चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं, जब कंसेंसस हो जाते हैं, तब भी ग्रुप नॉर्म्स को इस्टैब्लिश किया जाता है। सो इन शॉर्ट ग्रुप नॉर्म्स जो आपके इंडिविजुअल्स हैं ग्रुप के अंदर, उनका बिहेवियर भी डिटरमाइन करेंगे, उन पर इम्पैक्ट डालेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। सो ये बताते हैं आपको कि क्या चीज़ ग्रुप में एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, आप किस तरीके से जो डिसीजन लोगे, यानी अगर एक बंदा ग्रुप में डिसीजन ले रहा है तो दूसरे बंदे उस पर किस तरीके से आपका रिस्पॉन्स देंगे। कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ कोहेशन बनाता है और आइडेंटिटी बन जाती है आपके ग्रुप की। सो ग्रुप नॉर्म्स वेरी करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, हर ग्रुप के अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस हैं, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। सो आप जब भी ग्रुप नॉर्म्स के साथ एग्री करोगे, कन्फर्म करोगे, तभी इंडिविजुअल को एक्सेप्टेंस देगी, तभी उसको अप्रूवल मिलेगा कि वो ग्रुप मेंबर बन चुका है, ठीक है। सो जब भी ग्रुप मेंबर्स जो ग्रुप नॉर्म्स को कोई बंदा नहीं फॉलो करेगा, तो इससे एक तो सोशल डिसअप्रूवल मिलेगा, एक्सक्लूजन होगी, और इवन कई बार ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं पावर एंड पॉलिटिक्स। देखो पावर और पॉलिटिक्स दो वर्ड हैं। पावर का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स बिहेवियर, यानी जब आपके पास ऐसी काबिलियत है आप दूसरे बंदों का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, उनके फैसलों में चेंजेस ला सकते हो, जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो आउटकम निकलेंगे, उन पर इम्पैक्ट डाल सकते हो, वो होती है पावर। और जो पॉलिटिक्स है इसमें आप पावर का यूज़ करके इन्फ्लुएंस करते हो, जो इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स हैं उनको यूज़ करते हो ताजो आपको एडवांटेज मिल जाए या आप पर्सनल और ग्रुप गोल्स को टाइम पे अचीव कर पाओ। यानी जो पावर और पॉलिटिक्स दोनों है ना, ये दोनों ही इनहेरेंट है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। देखो वर्क प्लेस पे पावर भी काम आएगी, पॉलिटिक्स भी काम आएगी, दोनों इकट्ठे हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग वजूद है, दोनों अलग अलग है तो कोई उसमें वजूद नहीं है। सो ये चीज़ें डिसीजन मेकिंग जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पे उस पे इम्पैक्ट डालेंगी, जो रिलेशनशिप्स चल रही है ग्रुप में, चाहे वो ग्रुप की आपस की हो, चाहे वो ग्रुप की मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे आपकी रिसोर्स एलोकेशन हो, सो पावर और पॉलिटिक्स इन सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगी। सो आपको पावर डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल बिहेवियर जो आपका है उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तभी अफेक्टिव लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग अफेक्टिवली पॉसिबल है, ठीक है। अब पावर की बात हुई है तो उसमें एक आता है रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर। मैं यानी जो आपका रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर है, बेसिकली इट रेफर्स टू मैनेजर्स डिजायर टू आइडेंटिफाई विद और इमिटेट द सबॉर्डिनेट। देखो कई बार कुछ सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं एज पर मैनेजर्स, सो कई बार मैनेजर्स ट्राई करता है बिना कुछ किए अपने सबॉर्डिनेट को फॉलो करने की, वो होती है रेफरेंस सोर्स ऑफ पावर। आगे आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। देखो कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब डिसएग्रीमेंट्स होंगे, जब आपके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे, इंडिविजुअल्स के हों चाहे वो ग्रुप्स के हों। सो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कई बार कंस्ट्रक्टिव भी होता है, कई बार डिस्ट्रक्टिव भी होता है। कई चीज़ों का क्रिटिसिज्म पॉजिटिव आउटकम्स लाता है, कई चीज़ों का क्रिटिसिज्म आपको गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किस तरीके से कर रहे हो। नेगोशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें आप जो हर बंदे को, हर ग्रुप को चीज़ एक्सेप्टेबल हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स पे पहुंचते हो ताजो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को और डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सको। सो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है आपको उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, आपको नेगोशिएशन स्किल्स अपनी लगानी पड़ेंगी जो वाइटल है अगर आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन करना है और एट द एंड सारी सभी के लिए विन विन आउटकम्स को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो स्ट्रेस बेसिकली रेफर्स टू फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे परसीव दैट द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन एक्सीड देयर कोपिंग एबिलिटी।
हमेशा स्ट्रेस कभी होगा जब चीज़ें आपकी पहुंच से ऊपर चली जाएंगी, यानी अगर चीज़ें आपकी कंट्रोल में है कभी भी स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगी, अगर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली गई तो स्ट्रेस हमेशा राइज होगा ही होगा। स्ट्रेस घर पे हो सकता है, स्ट्रेस वर्क प्लेस पे हो सकता है, और जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है वो अराइज करता है उन जब आपका वर्कलोड बहुत बढ़ गया, आपको टाइम प्रेशर पड़ गया, यानी आपने बहुत कम टाइम दिया गया पर चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और इवन ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ सकते हैं। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो आपका वर्क और लाइफ यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए अब जो आपको हेल्प करें जो आप नेगेटिव स्ट्रेस के जो अफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनके साथ डील कर पाओ। सो अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊँ, अंडरस्टैंड करना और इफेक्टिवली मैनेज करना जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कप्लेस पे, तभी आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को अचीव कर पाओगे। एम्प्लॉय का वेलबींग होना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा कि उसके एम्प्लॉयज किस तरीके से एक ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर इनकरेज कर रहे हैं, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज कितने भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो नेसेसरी है जो रिक्वायर्ड वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आपको एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसमें ओडी एंड ओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली रेफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज बिलीव्स नॉर्म्स एंड बिहेवियर दैट करेक्टराइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो जब कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन उठा लो चाहे वो स्मॉल साइज के चाहे वो इनफ बिग है कि वो एक MNC तक को टच कर गया, उसमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यूज हर बंदे में होंगी, हर बंदे की सोच कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके सेम मिलेगी, नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे, बिहेवियर सेम होंगे। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कहने का मतलब सेम चाहे ना भी हो, यानी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज चल रही हैं, जो उसमें बिलीव्स हैं, जो उसके रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यानी इन शॉर्ट अगर सिंपल वे में बताऊँ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कलेक्टिव आइडेंटिटी को दर्शाता है और पर्सनैलिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन की, और इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फैसले किस तरीके से लिए जाएंगे और वर्क एनवायरनमेंट को एज पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से परसीव किया जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय का बिहेवियर बनाने में, उसका एटीट्यूड फॉर्म करने में और उसकी परफॉर्मेंस किस टाइप की निकलेगी उसको मेंटेन करने में के लिए। सो इसको आप अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इवन ड्रेस कोड पे डिपेंड करता है, ड्रेस कोड क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज कैसी है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट क्या निकला, ठीक है। अब एक ध्यान से सुनो, ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन हैव सेवरल बेनिफिट्स। यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव है, अगर आपने कल्चर मेंटेन कर लिया आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉय अपने काम में इंगेज रहेंगे, वो प्रोडक्टिव रहेंगे, यानी एक अच्छा कल्चर प्रमोट करता है एम्प्लॉय की इंगेजमेंट, उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो इम्पावर्ड रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको लगता रहेगा भाई ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी है, इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, वो मोटिवेटेड रहेंगे। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट, जितना पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उतने ही अच्छे जो टैलेंटेड इंडिविजुअल आप उनको अट्रैक्ट करोगे, उनको लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच खाएंगे। यानी देखो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा आके आपको छोड़ के चल जाए ना ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, क्या पता कि आपको वैसा एम्प्लॉय मिलेगा या ना मिलेगा। सो जितना कल्चर अच्छा होगा उतना ही टैलेंट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख पाओगे और आपके वर्क एनवायरनमेंट पे वो प्रोडक्टिविटी से काम करता रहेगा। अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, देखो कल्चर के एम्फसिस हैं ओपन कम्युनिकेशन पे, ट्रस्ट बना रहना चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं खत्म होना चाहिए, कोलैबोरेशन बनी रहे, इससे इफेक्टिव टीम वर्क होगा, नॉलेज आप अच्छे से शेयर कर पाओगे और इनोवेटिव चेंजेस ला पाओगे। अडैप्टेबिलिटी एंड चेंज रेडीनेस, देखो जितना फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव कल्चर होगा इससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मार्केट कंडीशन नहीं आ रही हैं, जो मार्केट कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे,
नई नई इनोवेशंस ला सकेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आ रहा है उसमें अच्छे से नेविगेट करके पॉजिटिव चीज़ें उसमें से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसके कुछ इवेंट्स। सबसे पहले है कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसी। ये चीज़ दर्शाती है ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्या है ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स, यानी वो अपने कस्टमर की नीड्स अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं उनकी जगह पे जहाँ मतलब जो वर्क प्लेस है उस पर जो पॉलिसीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, यानी आपके लिए पॉसिबल है कि आप कस्टमर को गुड क्वालिटी सर्विस दे पा रहे हो। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ओरिएंटेशन डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल। ये आपको बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इम्फोसिस डाल रही है क्वालिटी पे और एज वेल एज जो लीडरशिप स्टाइल्स को यूज़ किया जाता है डायरेक्ट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग कैसी है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप किस तरीके से दे रहे हो, क्या आपकी जिम्मेवारियाँ सोसाइटी को लेकर बनती हैं। ये हाईलाइट करता है ऑर्गेनाइजेशन की उस अप्रोच को जो जिससे वो फैसले लेते हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसकी सर्विसेज हैं और कितनी कमिटेड है कि वो जो उनकी सोसाइटी की तरह जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि उनको आप पूरा कर पा रही हैं, क्या उनकी CSR पॉलिसीज अच्छी हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द नेशन, यानी बेसिकली दिस रेफर्स टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड्स टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड इट्स एप्रिसिएशन फॉर कंट्री इट ऑपरेट्स इन। ऑब्वियस बात है, जहाँ पे खाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, आपके दोस्त भी होंगे आपके दुश्मन भी होंगे, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लेती है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ही इवेंट है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।